हाल है भाई लोग, आई होप सभी लोग अपने अपने घरों में दंदन आ रहे होंगे। दोस्तों अक्षय कुमार के स्टारडम से तो हर लोग वाकिफ हैं, लेकिन दोस्तों काफी समय से अक्षय कुमार की कोई मूवी बॉलीवुड पर नहीं आई है। लेकिन दोस्तों उनकी मूवी सूर्यवंशी का काफी समय से इंतजार भी किया जा रहा था, लेकिन कोविड के कारण वो मूवी रिलीज नहीं हो पा रही थी। अब दोस्तों अक्षय कुमार और सूर्यवंशी मूवी के बड़े फैंस का इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि उसकी रिलीज डेट पर काफी बड़ी अपडेट आई है, जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो को लाइक किए बिना कहीं मत जाइएगा। आप लोगों को बता दूं, सिनेमा जब 50% ऑक्यूपेशन पे खुली तो किसी भी बड़ी मूवी ने आने से इनकार कर दिया था, और एक के बाद एक सारी मूवी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही थी। लेकिन अब दोस्तों 50% से ऑक्यूपेशन 100% कर दी गई है, तो सारी की सारी बड़ी मूवीज आने के लिए तैयार हो गई है सिनेमाघरों में। ऐसे एक बड़ी मूवी है अक्षय कुमार की सूर्यवंशी। ऐसे दोस्तों आप लोगों को बता दूं, कोविड से पहले ये मूवी 24 मार्च को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोविड के कारण इसे रिलीज नहीं किया गया। उसके बाद भी डायरेक्टर्स ने काफी ज्यादा मशक्कत करी कि OTT प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को रिलीज कर दिया जाए, लेकिन इन दी एंड ये मूवी रिलीज नहीं हो पाई और इस मूवी के फैंस का इंतजार बढ़ते गया। लेकिन दोस्तों अब जब COVID-19 खुल चुका है और सारे सिनेमाघर 100% ऑक्यूपेशन पर मूवी को रिलीज करने के लिए तैयार हो गए हैं, तो फिर सूर्यवंशी मूवी के डायरेक्टर्स और मेकर्स मीटिंग कर रहे हैं और हमें जल्द से जल्द इसकी रिलीज डेट देखने के लिए मिल सकती है। तो दोस्तों काफी ज्यादा विवाद इस बात पर भी किया जा रहा था कि सिनेमाघरों ने जब 50% रहता था कोविड से पहले, उसके बाद 70% की डिमांड रखी थी। लेकिन दोस्तों इसी मतभेद के कारण इस मूवी को रिलीज होने में काफी ज्यादा अड़चने आ रही थी, लेकिन अब दोस्तों उम्मीद की जा रही है इस मीटिंग के बाद फैसला हमारे सामने आ सकता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, ये मूवी अगर बॉक्स ऑफिस पर आएगी तो किसते मूवियों का रिकॉर्ड तोड़ सकती है? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेगा आप लोगों का भाई इंडियन बॉय। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। पीस आउट।